हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप सीखने जा रहे हैं टैली के अंदर सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स होता क्या है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, वो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सर्विस टैक्स यानी कि जब भी हमारी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा अर्निंग हो रही है, तो तब हमारा कंपनी के ऊपर सर्विस टैक्स अप्लाई होता है। और सर्विस टैक्स जो भी हमारे डेप्टर रहते हैं यानी कि ग्राहकों से हमारा सर्विस टैक्स वसूला जाता है और फिर गवर्नमेंट को पे करा जाता है। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, सर्विस टैक्स करने से पहले सर्विस टैक्स को एक्टिवेट करना है F11 बटन दबाकर। तो कीबोर्ड की सहायता से आपको F11 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर F11 के बाद आपको जाना है स्टेटरी टैक्सेशन पर और यहाँ से आप अनेबल सर्विस टैक्स को यस करें यहाँ पर। ओके, सेकेंड ऑप्शन भी आपको यहाँ पर डिटेल यस करना है अगर आपको डिटेल दे रहा है तो। तो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हमारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर रहते हैं वो आपको यहाँ पर डालना होता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि किस डेट को हमारा कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट आप यहाँ पर फिल करें। यहाँ पर आपको करना है इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज यानी कि अगर एक ही व्यक्ति की कंपनी तो आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी करें, अगर पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप करें। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर इनविजिबल प्रॉपर्टी यानी कि ओके लास्ट सेकंड पर प्रेस करें। लास्ट सेकंड ये अपने सर्विस टैक्स को एक्टिवेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लेजर क्रिएट करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएं और आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है। तो सर्विस टैक्स हमारे जो अप्लाई होता है वो डेप्टर पर होता है। जैसे हम आज कर रहे हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग के ऊपर, मान लीजिए हमारा एक कंप्यूटर सेंटर है, तो जितने भी हमारे डेप्टर यानी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के ऊपर आपको सर्विस टैक्स अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद जो भी टैक्स लगता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग के ऊपर लगाने जा रहे हैं सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम लेज़र बना रहे हैं यहाँ पर। ओ रवि, और आपको ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर, जैसे रवि क्या कर रहा है, DCA कर रहा है, तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया रवि DCA। कौन है हमारा ये सेंट्री डेबिटर। यहाँ से आपको सर्विस टैक्स को यस करना है। जैसे आपने सर्विस टैक्स यस करा तो आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं करना है, ओनली नॉट एप्लीकेबल कर देना है। जो भी हमारी डिटेल स्टूडेंट की है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। लास्ट सेकेंड दूसरा बना रहे हैं यहाँ पर रमेश, मान लीजिए ये टैली कर रहे हैं, तो टैली आप लिख दीजिए कोर्स का नाम। ये भी हमारा कौन है स्टूडेंट्स यानी डेप्टर, सर्विस टैक्स को एप्लीकेबल करें। लास्ट सेकेंडर ओके। अब हमें बना रहे हैं यहाँ पर सर्विस टैक्स क्लेजर, सर्विस टैक्स हमारा क्या है, ड्यूटीज टैक्सेस है। आपको यहाँ पर फिल करना है सर्विस टैक्स। वो सर्विस टैक्स जो लग रहा है वो किस चीज़ पे लग रहा है वो आपको यहाँ से ऑप्शंस को फिल करना है। तो हमें करना है यहाँ पर कमर्शियल ट्रेनिंग कोचिंग। ओके, तो आपको यहाँ से ऑप्शंस फिल करना है कि आप किस फील्ड पे ये सर्विस टैक्स लगा रहे हैं। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर कमर्शियल ट्रेनिंग कोचिंग पर। तो हमें यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लेना है। लास्ट सेकंड प्रेस करें। ये अपने लेजर क्रिएट कर लिया। अब हमें एक अकाउंट बनाना है बैंक का, यानी कि हम SBI बैंक क्रिएट करें यहाँ पर, बैंक अकाउंट इंटर। ये हमने लेजर क्रिएट करनी है। अब हमें जाना है एस्केप की सहायता से बाहर, यानी कि कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वॉशर में। अब सर्विस टैक्स भी क्या होता है कि ये सर्विस पर लगता है, सर्विस टैक्स सर्विस पर लगता है जिसमें कुछ प्रोडक्ट परचेस नहीं होता है, डायरेक्टली कुछ सर्विस दी जाती है। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, तो कंप्यूटर सेंटर पर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम सर्विस दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनको डायरेक्ट सेल किया जाता है, तो वो उस चीज़ पर हमारा लगता है सर्विस टैक्स। ओके, अब हमें प्रेस करना है F8। अब जो भी हमारे बिल के नंबर है, जैसे बिल नंबर हमारा यहाँ पर आ रहा है 1, तो आप यहाँ से 1 प्रेस करें। एंटर।
पार्टी अकाउंट नेम में आपको पार्टी का नाम लिखना है, यानी कि हमारे एडेप्टर का नाम लिखना है, स्टूडेंट का नाम लिखना है। जैसे रमेश है, रमेश यहाँ पर क्या कर रहा है, टैली कर रहा है। ठीक, सेल्स लेजर यानी कि सेल आप क्या करने जा रहे हैं, तो सेल आप कर रहे हैं पर इस व्यक्ति को कंप्यूटर टैली। तो जैसे आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं अल्ट के साथ सी, यानी कि डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर टैली। इस व्यक्ति को आप कंप्यूटर टैली सेल कर रहे हैं, ये जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में। यहाँ से आपको सर्विस टैक्स यस करना है और वापस हमें वही ऑप्शन फिल कर लेना है कि जो सर्विस टैक्स हम लगा रहे हैं किस फील्ड पर लगा रहे हैं। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर टैली पर। ओके, इंटर। अब आपको वापस यहाँ पर कंप्यूटर टैली सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर टैली का आप कितने पे सेल कर रहे हैं इस व्यक्ति को, कितनी टोटल इस व्यक्ति की फीस है वो आप यहाँ पर सबमिट करें। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 6,000 रुपीज़, टोटल फीस उसके 6,000 रुपीज़ है। अब इस पर हमें लगाना सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स लेजर सेलेक्ट करें, यहाँ से एंटर प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर 12% हमारा लग चुका है सर्विस टैक्स। तो ये हमारा सर्विस टैक्स यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। 6,000 रुपीज़ इसकी टोटल फीस थी। सर्विस टैक्स हमारा एप्लीकेबल हुआ है 741 रुपीज़। ओके, तो टोटल हमारे इससे फीस रिसीव करना हमें कितना, 6,741 रुपीज़ इतना हमें इससे रिसीव करना है। ओके, यहाँ पर आपको ऑन अकाउंट कर देना है। लास्ट तक एंटर प्रेस करें। नेक्स्ट व्यक्ति जैसे हमारा कौन है, रमेश, रवि, रवि हमारे डीसी कर रहा है, तो रवि डीसी यहाँ पर सेलेक्ट करें आप। स्टूडेंट का नाम क्या सेल कर रहे हैं इसको, कंप्यूटर ट्रेनिंग, दोबारा कंप्यूटर ट्रेनिंग। अब डीसी कितने में कर रहा है उसकी टोटल फीस लेके आप 5,000 रुपीज़। और अब आपको अप्लाई करना है यहाँ पर सर्विस टैक्स। लास्ट तक एंटर प्रेस करें। तो इसकी टोटल फीस तो 9,000 थी, लेकिन इस पर सर्विस टैक्स अप्लाई हो गया हमारा 1,112 रुपीज़। यानी कि टोटल अब इससे हमें फीस रिसीव करनी है 10,112 रुपीज़। टोटल ये हमारे इसकी फीस हो गई। एंटर। अब आपने इसको साइन कर दिया है। अब जब भी हमारा स्टूडेंट्स हमें फीस देगा तो हमें रिसीव वाउचर में जाकर फीस को रिसीव कर लेना है। कैश दे रहा तो कैश, और अगर बैंक से दे रहा तो बैंक कर लेना है। पर आप जैसे हम कैश रिसीव कर रहे हैं किससे, रवि से, तो रवि हमें कितना पैसा दे रहा है, इसकी टोटल फीस हमारी है 10,112 रुपीज़। जैसे मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में हमें 2,000 रुपीज़ जमा कर रहा है, तो 2,000 रुपीज़ आपको रिसीव कर लेना है। यहाँ पर आपको करना ऑन अकाउंट। लास्ट सेकेंडर तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने 2,000 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव करा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका 2,000 रुपीज़ माइनस होकर बता रहा है कि कितना और पैसा हमें रिसीव करना है, यानी कि हमें करना है 8,112 रुपीज़ और रिसीव करना है। तो जैसे जैसे व्यक्ति हमें पैसा देता जाएगा हमें वैसे हमें रिसीव करते जाना है। ओके, अब आप कर रहे हैं मान लीजिए दूसरे व्यक्ति से, रमेश। रमेश क्या कर रहा है, टैली कर रहा है। टोटल इसकी फीस 6,741 रुपीज़ है। ये हमें अभी 2,500 रुपीज़ जमा कर रहा है, अभी ऑन अकाउंट करना है। अब 2,500 में से कितना और बाकी इससे लेना है, 4,241 रुपीज़। ये इसने माइनस करके और बता दिए कितना हमें और पैसा रिसीव करना है। तो इस टाइप हम किसी भी डेप्टर पर सर्विस टैक्स लगा सकते हैं, और सर्विस टैक्स लगाने के बाद हमें उससे पैसा रिसीव कर सकते हैं। अब हमें सर्विस टैक्स का पैसा पेमेंट करना है, यानी कि कीबोर्ड की सहायता से आपको F5 प्रेस करना है। अब हम यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं SBI बैंक, और सर्विस टैक्स सेलेक्ट करें यहाँ पर। तो कितना देना है यहाँ पर, 1,854 रुपीज़ इतना हमें गवर्नमेंट को पे करा। ओके, ये अमाउंट हमें यहाँ पर पे कर दिया। इंटर प्रेस करें। तो इस टाइप हम यहाँ पर सर्विस टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके।